कि द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हम लोग कल्चर, इसमें बेसिकली दो टर्म्स यूज हो रही हैं, कल्चर एंड कम्युनिकेशन। तो पहले इन दोनों टर्म्स को डिस्कस करेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। तो पहले कल्चर को डिस्कस करते हैं। कल्चर क्या है, जिसको हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में अपने इनिशियल लेक्चर्स में डिस्कस कर भी चुके हैं, लेकिन एक ब्रीफ सा इसका इंट्रोडक्शन दूंगी कल्चर का। कल्चर क्या है, कल्चर इज द आइडियाज, कस्टम्स एंड सोशल बिहेवियर ऑफ अ पर्टिकुलर पीपल और सोसाइटी। किसी भी कम्युनिटी या सोसाइटी या वहाँ के रहने वाले लोगों का बिहेवियर, उनका सोशल बिहेवियर, उनके कस्टम्स, उनके बिलीव्स, उनके आइडियाज एंड थॉट्स, ये सब चीज़ें कल्चर कहलाती हैं। देन अ कल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल का, या फिर ग्रुप ऑफ पीपल क्या है, एक सोसाइटी को कहा जाता है, ठीक है। लोग जब मिलके रहते हैं तो एक सोसाइटी को फॉर्म करते हैं या कम्युनिटी को फॉर्म करते हैं। तो एक सोसाइटी का या एक कम्युनिटी का वे ऑफ लिविंग जो है वो कल्चर कहलाता है। द बिहेवियर्स, बिलीव्स, वैल्यूज एंड सिम्बल्स दैट दे एक्सेप्ट जनरली विदाउट थिंकिंग अबाउट दैम एंड दैट आर पास अलॉन्ग बाय कम्युनिकेशन एंड इमिटेटिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। और इसमें जो एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं वो वैल्यूज होती हैं, नॉर्म्स होते हैं, सिंबल्स, बिहेवियर होता है, बिलीव्स होते हैं, ये सारी चीज़ें पार्ट होती हैं कल्चर का। और इसको थ्रू कम्युनिकेशन इसको ट्रांसफ़र भी किया जा रहा होता है, ठीक है। लोग थ्रू कम्युनिकेशन अपने कल्चर को या फिर उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसको ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, या फिर एक सोसाइटी से समटाइम्स दूसरी सोसाइटी तक उसको कन्वे कर रहे होते हैं। दैट इज कॉल्ड कल्चर। देन देयर आर सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कल्चर। द फर्स्ट वन इज कल्चर इज नॉट इनहेरेंट बट लर्नड। इनहेरेंटली हमें कल्चर नहीं मिलता है, हमें लर्न करना पड़ता है। देन कल्चर इज ऑलवेज ट्रांसमिटेड थ्रू लर्निंग। कल्चर जो है हमेशा लर्निंग के थ्रू आप उसको ट्रांसफर लर्न करते हो और फिर उसको ट्रांसफ़र करते हो। ट्रांसमिट जो होता है मींस कि हमारे अंदर जो ट्रांसमिट हो रहा होता है कल्चर, वो थ्रू लर्निंग हो रहा होता है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में भी हमने बात की कि ये इनहेरेंटली नहीं होता है, हम इसको लर्न करते हैं। तो ये हम में किस तरह से ट्रांसमिट होता है, थ्रू लर्निंग ये ट्रांसमिट होता है। देन कल्चर इज़ द बेसिस फॉर सेल्फ आइडेंटिटी एंड कम्युनिटी। कल्चर जो है वो सेल्फ आइडेंटिटी की, हमारी अपनी जो जाती हमारी शनाख्त होती है उसकी, और हमारी कम्युनिटी की बेस होता है कल्चर। कल्चर की वजह से कहीं ना कहीं हमारी सेल्फ आइडेंटिटी भी फॉर्म हो रही होती है, हमारी कम्युनिटी भी फॉर्म हो रही होती है थ्रू कल्चर। देन द लास्ट करेक्टरिस्टिक इज कल्चर इज डायनेमिक, और कल्चर्स आर डायनेमिक। कल्चर जो है वो डायनेमिक होते हैं, ये उनकी क्वालिटी होती है, एक कल्चर की क्वालिटी है डायनेमिक होना। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट चेंज आना, ठीक है। तो कल्चर में कांस्टेंट चेंज आता है, तो ये उसकी करेक्टरिस्टिक है। कल्चर हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, उसमें टाइम टू टाइम कुछ डेवलपमेंट्स होके, या फिर समटाइम्स कुछ कल्चर्स जो हैं वो डिवेलप नहीं होते हैं, बल्कि वो डाउनवर्ड होना शुरू, मीन के डाउनवर्ड जाना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, कि मींस के वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से भी हो सकता है कि कल्चर जो है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, तो डिवेलप भी हो सकता है, ख़त्म भी हो सकता है कल्चर। तो डायनेमिक एलिमेंट होता है, करेक्टरिस्टिक है, जिसका मतलब है कि ये कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है कल्चर। देन कम्युनिकेशन को डिस्कस करते हैं। कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ कन्वेइंग मीनिंग्स, इंफॉर्मेशन, आइडियाज, फीलिंग्स, न्यूज एंड नॉलेज फ्रॉम वन एंटिटी और वन ग्रुप टू एन अदर through the use of signs, symbols, sounds and gestures. Communication क्या है, एक ऐसा process है basically जिसमें दो लोग आपस में meanings को convey करते हैं, information को convey करते हैं, ideas को, feelings को, news को या knowledge को convey करते हैं, ठीक है, from one entity to another entity, या फिर from one group to another group. और ये किस चीज़ के थ्रू होता है, किस चीज़ के थ्रू ये सारी इंफॉर्मेशन या नॉलेज एक बंदा दूसरे बंदे तक कन्वे कर रहा होता है, ये थ्रू लैंग्वेज होता है। और लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो उसमें हर तरह की लैंग्वेज आ जाती है, उसमें वर्बल लैंग्वेज भी आ जाती है, उसमें नॉन वर्बल भी आ जाती है, उसमें साइंस भी इंक्लूड होते हैं, सिम्बल्स, साउंड्स, जेस्चर्स, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं। हर वो जरिया जिसके थ्रू एक बंदा दूसरे तक इंफॉर्मेशन कन्वे करे वो कम्युनिकेशन का सोर्स कहलाता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, मीन्स के मैं अगर मैं आपको कुछ बताती हूँ, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन मैं आपको कन्वे कर रही हूँ, और आप आगे से मुझे नॉन वर्बली रिएक्ट करो उस चीज़ का, नॉन वर्बली मुझे फीडबैक दो. फॉर एग्जाम्पल अपना सर हिलाकर, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड अपना सर हिला के मुझे फीडबैक दो, तो वो नॉन वर्बली कम्युनिकेशन कहलाएगी. कि आप नॉन वर्बली मुझसे कम्युनिकेट कर रहे हो, मैंने कोई आइडिया आपसे शेयर किया और आपने उसका जवाब हाँ में देना था तो आपने सर हिला दिया, मींस कि आपने हेड मूव आपकी हेड मूवमेंट हुई वहां पर, मींस कि आपने नॉन वर्बली मुझे एक मैसेज कन्वे किया, एक सिग्नल दिया, एक जेस्चर आपने यूज किया, तो वो भी लैंग्वेज का ही हिस्सा होगी जिसमें आप जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे हो. सो कम्युनिकेशन जो है उसमें सिर्फ बोल के बात कन्वे नहीं की जाती है, बल्कि जेस्चर्स के थ्रू भी की जाती है, थ्रू आइज भी की जाती है, थ्रू फेशियल एक्सप्रेशंस भी की जाती है, साइंस के थ्रू भी की जाती है. तो हर वो सोर्स जिससे कम्युनिकेशन की जा रही है या फिर एक बंदा दूसरे तक मैसेज कन्वे कर रहा है, वो सब कम्युनिकेशन का पार्ट होते हैं. देन द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कम्युनिस व्हिच मीन्स टू शेयर और टू पार्टिसिपेंट. कम्युनिकेशन का लफ्ज़ जो है वो कम्युनिस्ट से निकला है जिसका मतलब है शेयर करना या पार्टिसिपेट करना. अब शेयर करना, जैसे कि हमने ऊपर वाले पॉइंट में डिस्कस किया है कि इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं दो पार्टिसिपेंट्स या फिर दो लोग आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं. अब इसमें पार्टिसिपेंट्स भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है. कम्युनिस्ट का मतलब टू पार्टिसिपेट भी है, मीन्स के पार्टिसिपेट करना. अब किस तरह से पार्टिसिपेट करना, इसमें जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो किसी से, मींस के आप उस चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हो. और जब पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो दो पार्टिसिपेंट्स इंक्लूड होते हैं कम्युनिकेशन में, एक रिसीवर होता है और एक सेंडर होता है. सेंडर जो इंफॉर्मेशन को सेंड करता है और रिसीवर जो उस मैसेज को रिसीव करता है, ये दो पार्टिसिपेंट्स इंक्लूड होते हैं कम्युनिकेशन में. द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस of reaching manual understanding in which parties involved exchange information, news, ideas and feelings. Means के ये एक टू वे प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि एक बंदा बात किए जा रहा है और दूसरा उसका कोई जवाब नहीं दे रहा है या फिर कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होता है. कम्युनिकेशन हमेशा टू वे प्रोसेस होती है, मीन्स के दो पार्टिसिपेंट्स होते हैं और वो दोनों जो है उसमें उनका दोनों का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, दोनों ही उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, एक दूसरे को रिस्पॉन्ड करेंगे, तो वो कम्युनिकेशन कहलाएगी. एक बंदा इंफॉर्मेशन अगर कन्वे कर रहा है तो दूसरा उसका फीडबैक देगा और हो सकता है वो आगे से कुछ और इन्फॉर्मेशन कन्वे करे पहले वाले को, ठीक है. तो इस तरह से इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज जो है वो दो लोगों के दरमियान होता है और दोनों इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. फिर वो उनका फीडबैक देने का अंदाज मुख्तलिफ हो सकता है. जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दी थी, मैं अगर कुछ बोल के इन्फॉर्मेशन आपको कन्वे कर रही हूँ तो आप मुझे अगर नॉन वर्बली फीडबैक देते हो सर हिलाकर, वो आपका हेड मूवमेंट जो है वो भी एक सोर्स है मीनिंग कन्वे करने का. सर हिलाने का मतलब है हाँ, हो सकता है मैं कुछ चीज़ आपको समझा रही हूँ और आपके सर हिलाने का मतलब होगा कि आपको वो चीज़ समझ आ गई है, तो आपने मुझे मैसेज कन्वे किया है कि आपको वो चीज़ समझ आ गई है, मीन्स कि आपने पार्टिसिपेट किया, लेकिन आपके पार्टिसिपेट करने का जो मीडियम था वो डिफरेंट था. मैंने किस तरह से पार्टिसिपेट किया, मैंने वर्बली बोल के वो चीज़ आपको बताई, लेकिन आपने नॉन वर्बली उसको उसका फीडबैक दिया. तो मीडियम डिफरेंट हो सकता है, लेकिन पार्टिसिपेट दोनों पार्टिसिपेंट्स को ही पार्टिसिपेट करना पड़ता है कम्युनिकेशन में, फिर ही वो कम्युनिकेशन जो है वो उसको हम कम्युनिकेशन का नाम देते हैं, ठीक है, उस चीज़ को. Then the last point is it requires a speaker and listener, reader and writer. जो participants include होते हैं communication में दो होते हैं, वो speaker या listener हो सकता है या फिर writer और reader हो सकता है. अगर तो वो orally communication हो रही है तो एक बंदा जो बात करेगा वो speaker होगा, ठीक है, जो message convey करेगा वो speaker होगा और अगला बंदा जो उसको सुन रहा है वो listener होगा. जैसे कि हम लोग communicate कर रहे हैं, मैं इस वक्त स्पीकर हूँ, आप लोग लिसनर्स हैं, ठीक है, हम दो पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है. देन राइटर एंड रीडर हैं. राइटर मींस कि अगर कोई बंदा लिखकर कम्युनिकेट कर रहा है और अगला बंदा उसको पढ़ रहा है. फॉर एग्जांपल मैंने अभी जो आपके सामने नोट्स शो किए हुए हैं, ये मैंने टाइप किए हैं, कि अब मैं राइटर हूँ इस टेक्स्ट की,
कि मैंने ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे राइट कर दी, आप लोग इसको रीड कर रहे हो, ये कम्युनिक ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँच रही है, आप लोग इसको रीड कर रहे हो, तो ये जो पूरा एक प्रोसेस है एक राइटर का, एक इन्फॉर्मेशन को राइट करना और ऑडियंस का उसको रीड करना, ये भी कम्युनिकेशन कहलाता है। तो दो तरह से हो सकती है, ऑरली भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है, और नॉन वर्बली भी होती है, उसको भी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन था। नाउ वी विल टॉक अबाउट क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। कल्चर का पॉइंट भी क्लियर हो गया, मैंने डिस्कस कर दिया, कम्युनिकेशन भी डिस्कस हो गया। ठीक है, कल्चर क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन क्या होता है? क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन इज अ फील्ड ऑफ स्टडी। क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन इज अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट लुक्स एट हाउ पीपल फ्रॉम डिफरिंग कल्चरल बैकग्राउंड्स कम्युनिकेट इन सिमिलर और डिफरेंट वेज अमंग देमसेल्व्स एंड हाउ दे एंडेवर टू कम्युनिकेट क्रॉस कल्चर्स। अच्छा, अब क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन का मतलब है कि लोग जो कम्युनिकेट करते हैं आपस में, वो डिफरेंट कल्चर से, हो सकता है कि वो डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करें, तो ऐसे लोगों का आपस में कम्युनिकेट करना या फिर मैसेजेस का को एक्सचेंज करना, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना या आपस में बातचीत करना उन लोगों का जिनके कल्चरल बैकग्राउंड्स डिफरेंट है, उसको क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन का नाम दिया जाता है। तो क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन मीन्स के ऐसे लोगों का आपस में कम्युनिकेशन करना या बात करना जो कि जिनके कल्चरल बैकग्राउंड्स डिफरेंट हो, उसको क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन का नाम दिया जाता है। देन व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट, इसको इतनी इम्पॉर्टेंस क्यों दी जाती है कि डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं लोग लेकिन फिर भी वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, वो क्यों करते हैं, उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट वन इज बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। बिजनेस की वजह से लोग डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हुए भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज की वजह से। देन ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मीन्स के वर्ल्ड वाइड इंटरेक्शन करने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए। ठीक है, ग्लोबल मीन्स के इंटरनेशनली लोगों से बात करने के लिए भी लोग क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन करते हैं। देन शेयरिंग ऑफ व्यूज एंड आइडियाज, अपने आइडियाज को, व्यूज को शेयर करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल और एक ईजी एग्जाम्पल है कि सोशल मीडिया पर अगर अब यहाँ का रहने वाला एक बंदा अगर सोशल मीडिया पर कोई मैसेज पोस्ट कर देता है, अब वो ग्लोबली शेयर हो रहा है, वो हर तरह के कल्चर से बिलोंग करने वाले बंदे के पास वो मैसेज पहुँच जाएगा। ठीक है, तो आपने कम्युनिकेट किया, अब ये मीडियम थोड़ा चेंज है, थ्रू मीडिया आप उसको कम्युनिकेट कर रहे हो और वो बंदा आपको हो सकता है फीडबैक भी दे, उस कम्युनिकेशन का फीडबैक भी दे। जैसे कि अगर आपने कोई पोस्ट अपलोड की, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक पर कुछ अपलोड किया, उसमें आपने कोई मैसेज कन्वे किया, अब वर्ल्ड वाइड जो भी बंदा उस पोस्ट को देखेगा वो उसमें उस पर कोई कमेंट कर सकता है, वो उसको लाइक कर सकता है, ये उसका फीडबैक होगा। ठीक है, तो आप अपने आइडियाज और व्यूज को शेयर करने के लिए भी क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन करते हो। लेकिन इस अब ये जो मैंने एग्जाम्पल दी, इसका थोड़ा वे थोड़ा डिफरेंट है कि इसमें मीडियम थोड़ा डिफरेंट है, उसमें किस तरह से इंफॉर्मेशन कन्वे की जा रही है, ये मेथड थोड़ा या ये प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन है ये क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन कि आप डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करने वाले लोगों को कन्वे कर रहे हो कुछ मैसेज और वो उसको फीडबैक भी कर रहे होते हैं किसी ना किसी तरह से। देन टैलेंट इम्प्रोवाइजेशन, टैलेंट इम्प्रोवाइज करने के लिए, ठीक है, जो भी आपकी स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए आप जो है क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन करते हो। बिकॉज जब आप क्रॉस कल्चरली कम्युनिकेट करते हो मीन्स कि आप डिफरेंट तरह के लोगों से कम्युनिकेट कर रहे होते हो, और जब आप लोगों से कम्युनिकेट करते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपकी स्किल्स जो हैं वो इनहेंस होना शुरू हो जाती है, जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। क्या कम्युनिकेशन स्किल्स कौन सी होती हैं? जिसमें आपका बोलना होता है, आप किस तरह से स्पीक कर रहे हो, आपका लिखना हो सकता है, जैसे कि रिटन राइटिंग के थ्रू भी आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हो तो राइटिंग स्किल इनहेंस हो सकती है। तो इस तरह की जो आपकी एबिलिटीज हैं या स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो रही होती है, तो आप अपने टैलेंट इम्प्रोवाइजेशन के लिए भी कम्युनिकेशन करते हो क्रॉस कल्चरली। देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्स मार्केट, डाइवर्स मीन्स के वेरियस डिफरेंट टाइप की जो मार्केट है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, इंटरनेशनली उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए आप जो है क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन करते हो। सो ये पॉइंट्स जो हैं ये इंपॉर्टेंस शो कर रहे हैं क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन की। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज हाई वर्सेस लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर।
अब डिफरेंट कल्चर में किस तरह से लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह का कल्चर है, कुछ एग्जांपल्स के साथ भी यहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ है कि किस तरह के कल्चर में किस तरह से ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है कम्युनिकेशन में, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है वो डिफरेंट तरीके से की जाती है, जैसे कि अभी मैंने ऊपर एग्जांपल भी दी, लिख के भी की जा रही है और बोल के भी की जा रही है, तो डिफरेंट मीडियम्स हो सकते हैं। मीडियम्स क्या होते हैं? मीडियम्स आर द सोर्सेज जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे हो। जैसे कि अभी हमारा मीडियम क्या है? ऑनलाइन, ठीक है, इंटरनेट हमारा मीडियम है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, एक और मीडियम जो अभी आपके सामने स्लाइड शो हो रही है, ये रिटन मीडियम है। ठीक है, इसके थ्रू जो रिटन मटेरियल आपके सामने है वो भी एक कम्युनिकेशन हो रही है। ठीक है, ऑरली कम्युनिकेशन भी हो रही है, मैं बोल के आपको सब कुछ सब मैसेजेस कन्वे कर रही हूँ, ये ऑरल कम्युनिकेशन है। तो डिफरेंट मीडियम्स मीन्स के डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए, और वो कल्चर टू कल्चर वेरी भी हो सकते हैं। कि किसी कल्चर में किसी तरह से किसी मीडियम को अडॉप्ट किया जा रहा है या फिर प्रेफर किया जाता है, और किसी कल्चर में किसी और तरह से किया जाता है। तो उसी से रिलेटेड ये पॉइंट्स हैं, हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर एंड लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर। तो सबसे पहला है हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर, कल्चर्स दैट रिलाई हैवीली ऑन नॉन वर्बल क्यूज इन कम्युनिकेशन। हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर्स वो कल्चर्स होते हैं जो नॉन वर्बली कम्युनिकेशन को पर रिलाई करते हैं और उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका में, वेस्टर्न यूरोप में नॉन वर्बली क्लूज को यूज़ करके कम्युनिकेशन करने को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, या फिर ज़्यादा यूज़ करते हैं नॉन वर्बल क्यूज़ को। देन लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर्स, कल्चर्स दैट रिलाई हैवीली ऑन वर्ड्स टू कन्वे मीनिंग्स इन कम्युनिकेशन। आप वर्ड्स के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे होते हैं उन कल्चर्स को लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर का नाम दिया जाता है। कि जैसे कि मिडल ईस्ट में लोग वर्ड्स के थ्रू मीन्स के अगर हम वर्ड्स की बात करें तो उसमें दो तरह की कम्युनिकेशन आ जाती है, एक तो बोलकर, अब जैसे कि मैं बोल रही हूँ, मैं वर्ड्स को यूज कर रही हूँ, तो ऑरली कम्युनिकेशन भी थ्रू वर्ड्स हो सकती है और रिटन कम्युनिकेशन भी थ्रू वर्ड्स हो सकती है। जैसे कि अगर ये आपके सामने जो भी मैसेज लिखा हुआ है, ये मैंने वर्ड्स को यूज करते हुए इस मैसेज को लिखा है और ये कम्युनिकेशन आप तक पहुँच रही है, मीन्स के ये मैसेज आप तक पहुँच रहा है और ये कम्युनिकेशन हो रही है। ठीक है, तो लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर में क्या होता है कि वर्ड्स को ज्यादा प्रेफर, वर्ड्स के यूसेज को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है और उस पर रिलाई किया जाता है और उसके थ्रू मीनिंग कन्वे किए जाते हैं। तो ये हाई कॉन्टेक्स्ट एंड लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर है। नाउ वी विल डिस्कस द वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, किस तरह से हम डिफरेंट मीडियम्स को चूज करते हैं और इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है ना, इनको टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन, कि हम किस तरह से फॉर्म कर रहे हैं कम्युनिकेशन को और उसको कन्वे कर रहे हैं, तो ये इसको हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को। तो सबसे पहला है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन वर्ड्स टू डिलीवर मीनिंग। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, रिटन कम्युनिकेशन एंड ऑरल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल का मतलब है थ्रू वर्ड्स, कि वर्ड्स के थ्रू कोई भी मीनिंग कन्वे करना वर्बल कम्युनिकेशन कहलाएगा। दो कैटेगरीज हैं, रिटन और ऑरल। रिटन कुछ राइट करेंगे, मींस के हम वर्ड यूज कर रहे हैं, कुछ ऑरली मींस के कुछ ऑरल कम्युनिकेशन में हम साउंड्स को यूज कर रहे होते हैं, तो ऑरल कम्युनिकेशन में हम बोल रहे होंगे, तो बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली हम वर्ड्स को चूज कर रहे हैं, साउंड्स को चूज करके हम वर्ड्स फॉर्म कर रहे हैं और फिर उसके थ्रू हम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्बल कम्युनिकेशन में थ्रू वर्ड्स हम कम्युनिकेट करते हैं, और वो रिटन भी हो सकता है और ऑरली भी हो सकता है, मींस के स्पोकन भी हो सकता है। देन रिटन कम्युनिकेशन क्या है? रिटन कैन इन्वॉल्व एनीथिंग फ्रॉम वर्ड्स ऑन अ पेज टू ईमेल और टू टेक्स्ट मैसेजेस। किसी भी तरह से, किसी भी तरीके से जब आप कुछ लिख रहे हो, वो मैसेजिंग भी हो सकती है, टेक्स्ट मैसेजेस भी हो सकते हैं, वो ईमेल्स भी हो सकता है, वो कोई डॉक्यूमेंट की फॉर्म में हो सकता है, बुक्स भी हो सकती हैं बिकॉज बुक्स भी लिखी जाती हैं, न्यूज़पेपर हो सकता है, हर वो फॉर्म जिसमें आप लिख के इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हो वो रिटन कम्युनिकेशन कहलाएगी। देन ऑरल कम्युनिकेशन, इट इन्वॉल्व स्पोकन वर्ड्स, साउंड्स इंक्लूड होती हैं, स्पोकन वर्ड्स इंक्लूड होते हैं। दिस कैन बी डन इन पर्सन थ्रू द फोन और ओवर वीडियो चैट। इसके भी डिफरेंट मीडियम्स हो सकते हैं, हो सकता है आप फेस टू फेस ऑरली कम्युनिकेट कर रहे हो या फिर किसी मीडियम के थ्रू, किसी टेक्निकल मीडियम के थ्रू, जैसे कि अभी हम लोग कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं, तो हम थ्रू फोन मींस के अगर ग्रुप कॉलिंग हो रही है तो भी आप ऑरली कम्युनिकेट कर रहे हो। अब यहाँ पर हमारी मीट कॉल चल रही है तो ये भी एक ऑरल कम्युनिकेशन का ही एक टाइप है। देन अगर आप वीडियो कॉल पर किसी से बात कर रहे हो तो उसमें भी आप
वीडियो तो मीन्स कि आप फेस टू फेस भी उस पर हो रहे होते हो वीडियो कॉल में, और आप ऑरली कम्युनिकेट भी कर रहे होते हो. तो ये डिफरेंट मीडियम्स हैं ऑरल कम्युनिकेशन के. ऑरल कम्युनिकेशन इज ऑफन क्विकर देन रिटन कम्युनिकेशन, ऑल द मीनिंग कैन बी शेडेड यूजिंग टोन, इन्फ्लेक्शन एंड वॉल्यूम. ऑरल कम्युनिकेशन जो है वो रिटन से थोड़ी फास्टर होती है, बिकॉज लिखने में थोड़ा टाइम लगता है. आप अगर कोई मैसेज कन्वे कर रहे हो लिख कर, तो उसको टाइम लगेगा. जैसे कि अभी यही अगर इसी स्लाइड की बात करें, मुझे इसे टाइप करने में टाइम लगा होगा, जबकि इसको अगर इसी स्लाइड को मैंने बोला है तो वो मैंने कम टाइम में बोला होगा. ठीक है, तो रिटन कम्युनिकेशन थोड़ा ज्यादा टाइम लेती है रादर देन स्पोकन कम्युनिकेशन. तो जो ऑरल कम्युनिकेशन है वो लेस टाइम टेकर होती है, और जो ऑरल कम्युनिकेशन है उसमें मीनिंग चेंज हो सकते हैं बाय थ्रू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज, जिसमें साउंड से रिलेटेड एलिमेंट आ जाते हैं, जैसे कि टोन है, स्ट्रेस है, वॉल्यूम है, राइज एंड फॉल है, कि आपकी आपके साउंड में किस तरह से चेंजिंग आ रही है. जब आप राइट कर रहे होते हो तो उसमें कोई टोन नहीं होती है, ठीक है, आप बस राइट कर देते हो उसको, उसमें टोन आ सकती है डिफरेंट टाइप के वर्ड चॉइसेस को ऐड करते हुए, लेकिन वो बहुत डीपली अगर एक रीडर उसको राइट रीड करता है तब उसको पता चलेगा कि इसमें कोई टोन भी ऐड की हुई है. लेकिन स्पोकन में तो वो चीज़ शो हो रही होती है ना, जैसे ही एक बंदा बोलता है और अगला उसको समझ लेता है कि इस टोन में बात की है, अगला बंदा समझ लेता है कि इस चीज़ को अगले इसने स्पीकर ने इस चीज़ पे स्ट्रेस दिया है. ठीक है, तो जो स्पोकन कम्युनिकेशन होती है उसमें डिफरेंट साउंड एलिमेंट्स ऐड होकर उसके मीनिंग को समटाइम्स चेंज कर रहे होते हैं. ठीक है, अगर आप एक ही चीज़ को आपने लिखा है तो वो उस तरह से मीनिंग हो सकता है चेंज ना करे जिस तरह से आपकी टोन उस चीज के मीनिंग को, उस मैसेज के मीनिंग को कन्वे कर देगी. बिकॉज अगर आप कहीं पे राइज एंड फॉल ले आते हो तो वो चीज आपके मीनिंग को चेंज कर देती है. अगर आप कहीं पे ज्यादा स्ट्रेस दे देते हो तो वो भी आपके सेंटेंस के मीनिंग को चेंज कर सकती है. तो ओरल कम्युनिकेशन जो है उसमें आप टोन को ऐड करके, मीन्स के साउंड एलिमेंट्स को हम कह सकते हैं कि ऐड करके आप मीनिंग को किसी ना किसी तरह से मोल्ड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो. देन नेक्स्ट वन इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. अभी जो हमने डिस्कस किया वो वर्बल कम्युनिकेशन था और उसकी दो सब टाइप्स थी, रिटन एंड ओरल. नाउ वी विल टॉक अबाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन थ्रू सेंडिंग एंड रिसीविंग वर्डलेस क्लूज. आप वर्ड्स को यूज नहीं करते हो, वर्ड से हट कर जितने भी क्लूज हैं उनको अगर आप यूज करते हो मैसेज को सेंड करने के लिए या फिर रिसीव करने के लिए, तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाएगी. जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी आप लोगों के हेड मूवमेंट की, तो आप लोगों का सर हिला के मुझको रिप्लाई करना वो क्या है, वो एक नॉन वर्बल क्लू है जिसके थ्रू आप मैसेज सेंड कर रहे हो मुझे कि आपको ये चीज समझ लग गई है. ठीक है, तो नॉन वर्बली में वर्ड्स यूज नहीं होते हैं, बल्कि उसके अलावा कुछ क्लूज हैं वो यूज होते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे. इट अकर्स व्हेन मीनिंग और मैसेजेस आर सेंट और रिसीव्ड विदाउट द यूज ऑफ वर्ड्स. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी डिस्प्लेड थ्रू, अब ये वो सोर्सेज हैं जिसके थ्रू नॉन वर्बली कम्युनिकेट करता है एक स्पीकर, जिसमें आई कॉन्टेक्ट है, आईज के थ्रू कर रहा होता है, जेस्टर्स हैं, टच है, वॉइस है, दैट इज कॉल्ड पैरा लैंग्वेज, देन फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, क्लोदिंग है. इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने ये यहाँ पे कुछ ऐड किए हैं क्योंकि टाइम मैनेजमेंट और सिलेबस को मैनेज करते हुए उस हिसाब से मैंने यहाँ पे ये इतने नॉन वर्बल जो सोर्सेज हैं उनको ऐड किया है. इसके अलावा और भी हो सकते हैं, लाइक ग्रीटिंग हो सकता है और बॉडी लैंग्वेज हो सकती है. बॉडी लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन वो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है. तो जेस्चर में हम बॉडी पॉइंट को डिस्कस, बॉडी लैंग्वेज को डिस्कस कर लेंगे. तो इन पॉइंट्स को अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. द फर्स्ट वन इज आई कॉन्टेक्ट. आई इज आर डायरेक्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव पार्ट ऑफ आर बॉडी. ठीक है, आईज के थ्रू हम बहुत बार बहुत कुछ कह रहे होते हैं. थ्रू आईज बोल नहीं रहे होते हैं, लेकिन हम आंखों ही आंखों में बहुत सारे मैसेजेस जो हैं कन्वे कर रहे होते हैं. और यहाँ पे मैंने कुछ लिखे भी हुए हैं मीनिंग्स कि आईज के थ्रू क्या मीनिंग्स कन्वे हो रहे होते हैं, उनको देखते हैं, थोड़ा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं इसको. द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट आई कॉन्टेक्ट. अगर आप किसी बंदे की तरफ डायरेक्ट उसकी आंखों में देख रहे हो, दैट मीन्स कि आप कॉन्फिडेंस शो कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, आपका कॉन्फिडेंस शो हो रहा होता है अगर आप अगले बंदे की आंखों में आंखें डाल के देख रहे हो. That means कि आप में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है. ठीक है, तो अभी एक मैसेज कन्वे हो रहा है कि आप अगर अगले बंदे की आंखों की तरफ देख कर बात कर रहे हो, दैट मीन्स कि आप में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है. देन नेक्स्ट पॉइंट इज लुकिंग डाउनवर्ड. अगर आप नीचे की तरफ देख रहे हो, दैट मीन्स कि आप केयरफुली लिसन कर रहे हो या फिर आप गिल्टी फील कर रहे हो.
ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है कुछ गलत हो जाता है आपसे, आप गिल्टी फील करते हो तो आप नीचे देखना शुरू हो जाते हो, या फिर अगर आप कुछ बहुत ज्यादा ध्यान से सुन रहे होते हो तब भी आपकी नजरें नीचे होती हैं। ठीक है, तो ये एक मैसेज है कि अगर अगर आपकी नजरें नीचे हैं दैट मीन्स कि आप कुछ केयरफुली सुन रहे हो या फिर कुछ भी गिल्ट है आपको। देन सिंगल रेज्ड आईब्रो, एक आईब्रो को रेज करना, ठीक है, मुझसे नहीं होती है लेकिन बहुत सारे लोग कर लेते हैं, और उसका मतलब क्या होता है कि वो कुछ डाउटिंग है, ठीक है, कुछ डाउट शो कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी डाउटिंग है तो आप अपनी एक आईब्रो को रेज कर देते हो तो वो डाउट को शो करता है, उसे ये मीनिंग कन्वे हो रहा होता है कि आप किसी चीज को लेकर डाउटेड हो। ठीक है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है आप लोगों से हो जाता हो और आप लोग करते भी हो, तो गौर कीजिएगा कि कब आप लोग इस एक्शन को करते हो, एक सिंगल एक आईब्रो को कब आप लोग रेज करते हो, तो दैट मीन्स कि आप डाउट शो कर रहे हो। देन नेक्स्ट वन इज बोथ रेज्ड आईब्रोज, अगर आप दोनों आईब्रोज को रेज कर रहे हो दैट मीन्स कि आप एडमायर कर रहे हो किसी चीज को। देन टीयर्स कमिंग आउट, आंखों से आंसू आना बहुत सारे इमोशंस को शो करता है, समटाइम्स आप खुश होते हो तो भी आपकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, लेकिन अच्छा आंखों से आंसू आना बहुत सारे एक्सप्रेशंस को शो कर रहा होता है, उनमें से दो की बात कर लेते हैं, खुशी को भी शो कर रहा होता है या फिर अगर आप दुखी हो सैड हो उसको भी शो कर रहा होता है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये आंसू खुशी के हैं या दुख के हैं, वो आपको फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू ये मैसेज मिल रहा होगा कि अगले बंदे का अगर आंसू है आंख में तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन देखें, फेशियल एक्सप्रेशन से ये पता चल जाएगा कि उसकी आंखों से जो आंसू आ रहे हैं वो खुशी के हैं या फिर वो कोई कुछ सैडनेस को शो कर रहे हैं। ठीक है, तो आंखों से आंसू आना इमोशंस को शो करता है, तो ये आई कॉन्टेक्ट से रिलेटेड था कि आई कॉन्टेक्ट जो है वो डिफरेंट तरह के मीनिंग्स को कन्वे कर रहा होता है। देन नेक्स्ट वन इज फेशियल एक्सप्रेशन, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस भी बहुत सारे मीनिंग कन्वे कर रहे होते हैं, और जो सबसे पावरफुल फेशियल एक्सप्रेशन है वो स्माइल है। ठीक है, स्माइल बहुत सारे क्यूज को ट्रांसमिट कर रहा होता है जिसमें हैप्पीनेस है, फ्रेंडलीनेस है, वार्म्थ है, लाइकिंग है, एफिलिएशन है, ये सारे एक्सप्रेशंस स्माइल के थ्रू एक इंडिविजुअल एक्सप्रेस कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे एक्सप्रेशंस होते हैं, जब आप सैड होते हो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कुछ और तरह के होते हैं, अगला बंदा देख के समझ सकता है कि आप सैड हो। इसी तरह से अगर आप एक्साइटेड हो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कुछ और होते हैं। ठीक है, बहुत सारे फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं जो कि डिफरेंट मीनिंग्स को कन्वे कर रहे होते हैं। देन नेक्स्ट वन इज जेस्चर्स, जेस्चर्स मीन्स कि आपके जो बॉडी मूवमेंट्स होते हैं, आपकी हेड मूवमेंट भी आ सकती है इसमें, आपके हैंड मूवमेंट्स भी आ जाते हैं, या फिर आपकी पूरी बॉडी से रिलेटेड जितने भी मूवमेंट्स हैं वो सब इंक्लूड हो जाते हैं, तो वो भी एक मीनिंग कन्वे कर रहे होते हैं, किसी मीनिंग को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स ऐड की हैं। अच्छा, मैंने हेड मूवमेंट से रिलेटेड मैंने एग्जांपल ऑलरेडी दे दी है। ठीक है, कि टीचर कुछ पूछता है आप सर हिला देते हो तो वो हेड मूवमेंट में इंक्लूड होगा, वो जेस्चर में इंक्लूड होगा। ठीक है, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी इंक्लूड होगा, तो वो भी एक एग्जांपल हो सकती है। देन यहाँ पर काफ़ी सारी मैंने हैंड मूवमेंट्स को ऐड किया हुआ है, इसमें आप देखें इन दिस पिक्चर। अब यहाँ पर थम्स अप है, दैट मीन्स कि आप किसी चीज़ को लाइक कर रहे हो मे बी, तो आप इस तरह का जेस्चर जो है वो फॉर्म कर रहे हो, आप हैंड मूवमेंट इस तरह से दे रहे हो। देन वी टाइप का जो टू फिंगर्स के साथ एक साइन बनता है दैट शोज विक्ट्री। ठीक है, आप किसी विक्ट्री को शो कर रहे हो, किसी भी कोई चीज अगर सक्सेसफुल हो गई है तो आप उसको शो कर रहे हो, या फिर हो उसके लिए आप कर रहे होते हो। देन द थर्ड जेस्चर इज पॉइंटिंग। ठीक है, आप फिंगर्स के थ्रू पॉइंट आउट कर रहे होते हो किसी भी चीज को, कि आप किसी भी चीज की तरफ इशारा कर रहे होते हो, तो ये भी एक मीनिंग कन्वे कर रहा होता है। देन इन सेकंड इमेज यहाँ पे देखें कितने सारे हैंड मूवमेंट्स बने हुए हैं, जो कि किसी में क्लैपिंग है, किसी में फिक्स्ड हैंड्स हैं, कोई चीज फिक्स करने के लिए, मींस के कोई कोई हो सकता है कोई बात ऐसी कर रहा हो कि वो उसको कंफर्मेशन करने के लिए आपने हैंड फिक्सेशन की हुई हो। देन हाई फाइव है, देन प्रॉमिस भी प्रॉमिस है, और अपोलोजाइजिंग साइन है कुछ इस तरह से। देन ये हैंड्स जो आपस में आप ऐसे हाथों को बंद करके जब टच करते हैं दैट मीन्स के आप कुछ ऐसा कह रहे हो कि वो डन हो जाए या फिर डन हो गया है, उसके लिए आप इस तरह का कोई साइन देते हो, तो ये जो हैंड मूवमेंट्स हैं ये भी एक मीनिंग कन्वे कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट जेस्चर्स को मैंने ऐड किया हुआ है। देन इन नेक्स्ट एग्जाम्पल एक हैंड जेस्चर है और इमेज भी बनी हुई है कि वो हैंड जेस्चर क्या है। अब ये जो हैंड जेस्चर आपके सामने शो हो रहा है ये डिफरेंट
कल्चर्स में डिफरेंट मीनिंग कन्वे करता है. ऐसा हो सकता है कि एक हैंड जेस्टर अगर एक कल्चर में कोई मीनिंग कन्वे कर रहा है तो दूसरे कल्चर में वही जेस्टर कोई और मीनिंग कन्वे कर रहा हो. इट कैन बी पॉसिबल. अब ये वाला जेस्टर जो अभी आपके सामने शो हो रहा है, ये अगर इजिप्ट में इसको यूज करें दैट मीन्स बी पेशेंट, अगर इसको इटली में यूज किया जाए दैट मीन्स वट डू यू मीन, अगर इसको ग्रीस में यूज किया जाए दैट मीन्स दैट्स जस्ट परफेक्ट. तो ये डिफरेंट मीनिंग्स कन्वे कर रहा है सिर्फ एक सिंगल जेस्चर. ठीक है, डिफरेंट कल्चर्स में इसको डिफरेंटली यूज किया जा रहा है डिफरेंट मीनिंग्स को कन्वे करने के लिए. देन टच है. टच डिफरेंट कल्चर्स में टचिंग को लेकर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं. एग्जांपल ऐड की हुई है इस्लाम और हिंदुइज्म से रिलेटेड. मीन्स कि अगर हम एशियन कंट्रीज की बात करें तो उन सब कंट्रीज के लिए सूटेबल होगी ये एग्जाम्पल. मीन्स कि अगर कोई बंदा यहाँ पर अगर हम एशिया की बात करें यहाँ पर लेफ्ट हैंड के थ्रू ग्रीटिंग करता है किसी से तो वो इंसल्टिंग समझा जाता है या फिर वो अच्छा नहीं समझा जाता है. उल्टे हाथ से अगर आप किसी से ग्रीट कर रहे हो या फिर आप किसी को टच कर रहे हो तो वो अच्छा नहीं समझा जाता है. और इस्लाम में भी ये है कि उल्टे हाथ से आपने हैंड शेक नहीं करना होता है. फॉर एग्जाम्पल जब आप ग्रीटिंग कर रहे हो सलाम ले रहे हो तो आपने राइट हैंड से करना होता है. तो ये चीज़ गलत समझी जाती है, ये टचिंग से रिलेटेड है. ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट मैंने एक ही एग्जाम्पल ऐड की है. तो ये भी एक मीनिंग कन्वे कर रहा है. क्या मीनिंग कन्वे कर रहा है कि वो चीज़ अच्छी नहीं समझी जा रही है. ठीक है, अगला बंदा हो सकता है कि उसके माइंड में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट ऐड हो रहा हो. ठीक है, उस टचिंग के थ्रू जो भी हो रही है. देन कलर्स हैं. कलर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. डिफरेंट कलर्स डिफरेंट मीनिंग कन्वे करते हैं और ये कल्चरल वाइज डिफरेंट हो सकती है ये चीज़. ठीक है, किसी एक कल्चर में कोई और मीनिंग कन्वे कर रहा है कलर और दूसरे कल्चर में वही कलर कुछ और मीनिंग कन्वे कर रहा हो. जैसे कि इन एशिया ऑरेंज इज अ पॉजिटिव कलर. ठीक है, एशिया में ऑरेंज को एज अ पॉजिटिव कलर लिया जाता है. देन ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर को इस्लाम में एज अ ट्रेडिशन कलर कंसिडर किया जाता है. और इजिप्ट का अगर ग्रीन कलर की बात करें तो इजिप्ट का ये नेशनल कलर है. ठीक है, वाइट कलर वेस्टर्न कल्चर्स में वाइट कलर जो है वो ब्राइडल ड्रेस के लिए चूज किया जाता है. लेकिन अगर हम अपने कल्चर की बात करें तो वही वाइट कलर हम लोग फ्यूनरल्स पर पहन रहे होते हैं. ठीक है, या फिर ब्राइड्स के पहनने की तो बात ही नहीं आती बिकॉज हमारे कल्चर में ब्राइड्स के लिए रेड कलर एसोसिएटेड है. ठीक है, उसको फिक्स कर दिया हुआ है कि कोई ब्राइड है तो वो रेड कलर पहनेगी. और वेस्टर्न कल्चर की बात करें तो ब्राइड जो है वो व्हाइट कलर पहन रही होती हैं. तो ये कल्चर टू कल्चर वैरी कर रहा है. ठीक है, कलर्स की सिग्निफिकेंस जो है वो कल्चर टू कल्चर वैरी हो रही है. देन चाइना में अगर कोई ब्लू कलर का गिफ्ट देता है तो उसको डेथ के साथ एसोसिएट किया जाता है. तो कलर्स जो है वो भी डिफरेंट मीनिंग कन्वे करते हैं. देन क्लोदिंग है. क्लोदिंग भी कल्चर टू कल्चर डिफरेंट हो सकती है. देन कुछ पॉइंट्स हैं. मेन टेंड नॉट टू वेयर सूट जैकेट्स एंड टाइज इन कोलंबिया एंड मिडल ईस्ट. कोलंबिया और मिडल ईस्ट के लोग जो हैं वो जैकेट्स वेयर नहीं करते हैं, टाइज नहीं लगाते हैं. तो ये वहाँ का कल्चर है. एंड देन इन नेक्स्ट एग्जांपल्स इंडिया की एग्जांपल है. इंडियाज़ की वुमेन जो है वो साड़ी पहनती बिकॉज वहाँ का ट्रेडिशनल कल्चर है, ट्रेडिशनल ड्रेस है साड़ी. हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस जो है वो शलवार कमीज है. देन गल्फ कंट्रीज वुमेन्स हैव टू वेयर पर्दा. जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वहाँ पर हिजाब कंपल्सरी होता है, वुमेन्स पर्दा करती हैं. या फिर अगर कोई इस्लामिक कंट्रीज को विजिट भी करता है लाइक सऊदी अरेबिया को अगर कोई विजिट कर रहा है तो वहाँ पर कंपल्सरी है कि वुमेन जो है वो पर्दा करें. ठीक है, तो ये वहाँ का कल्चर है. इन वेस्टर्न कंट्रीज द वुमेन कैन वेयर वट एवर दे वॉन्ट. अब ये कल्चर कितना ज्यादा कल्चर डिफरेंट है. एक कंट्री में कोई बाहर से भी आ रहा है तो उस पर चीज इम्प्लाई की जा रही है. और एक कल्चर जो है वहां पर वहां की औरतें जो रहने वाली हैं वो जो मर्जी पहने, कोई भी पूछने वाला नहीं है. तो ये कल्चर डिफरेंसेस हैं. ठीक है, जो कि क्लोदिंग के थ्रू शो हो रहे हैं. देन कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट इन वर्क प्लेस में कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट किस तरह से है. इट अराइजेस बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन वैल्यूज एंड नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स. सो दिस सिचुएशन क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग एंड लीड टू कॉन्फ्लिक्ट. डिफरेंट कल्चर्स की वैल्यूज एंड नॉर्म्स डिफरेंट होते हैं जिसके हिसाब से जो लोग हैं वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं और ये चीज मिसअंडरस्टैंडिंग को भी क्रिएट कर सकती है और कॉन्फ्लिक्ट को भी क्रिएट कर सकती है. तो आई थिंक आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करना चाहिए बिकॉज टाइम कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट क्लास है आपकी? यस मैम. 8:45 पे स्टार्ट होती है
या थोड़ा लेट स्टार्ट होती है? मैम कभी लेट भी स्टार्ट हो जाती है। मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि अगर लेट स्टार्ट होती है तो हम कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को, थोड़ा 10 मिनट लगेंगे इसको कंप्लीट होने में, तो अगर अभी लेक्चर नहीं है तो फिर हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। मैम आप कंटिन्यू करें, जैसे ही वो लिंक आ गया तो हम बता देंगे आपको। ओके खूबसूरत मौसम हो गया रिहाड़ी का। जी, खूबसूरत है और मुझे आवाज़ें भी आ रही हैं कुछ हवा चलने की, तो मैं ये सोच रही हूँ लाइट ना चली जाए, लाइट चली जाएगी तो लैपटॉप बंद हो जाएगा मेरा। तो देखती हूँ मैं कितना पेंडिंग लेक्चर है इसमें। अभी हमें ब्लॉक्स टू कल्चर कम्युनिकेशन को डिस्कस करना है जिसमें कुछ टर्म्स हैं, देन इम्प्रूवमेंट। चलें डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफली इसको। ब्लॉक्स टू कल्चरल कम्युनिकेशन, उसमें 5 टर्म्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज एथनोसेंट्रिज्म। एथनोसेंट्रिज्म क्या है? इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट अनदर कल्चर, जो दुनिया के दूसरे कल्चर हैं उसको एक्सेप्ट ना करना, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करने की इनएबिलिटी जो है वो एथनोसेंट्रिज्म कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, माई वे इज द बेस्ट बेस्ट, किसी इंडिविजुअल का कहना कि जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, जो मेरा कल्चर है वो बिल्कुल ठीक है, दैट इज कॉल्ड एथनोसेंट्रिज्म। देन सेकेंड टर्म इज डिस्क्रिमिनेशन, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल ड्यू टू माइनॉरिटी स्टेटस एक्चुअल एंड प्रिसीव। जो माइनॉरिटी कल्चर से लोग बिलोंग करते हैं उनको डिफरेंट तरीके से ट्रीट करना इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, कि दूसरे जो माइनॉरिटी कल्चर से बिलोंग करते हैं लोग उनको आप डिफरेंटली ट्रीट कर रहे होते हो रादर देन मेजॉरिटी पीपल, जो उनके साथ आपका जो ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी जस्ट आर नॉट इक्विप्ड टू सर्व पीपल लाइक दैट, मीन्स कि हम ऐसे लोगों को सर्व करने के लिए तैयार नहीं है जो कि माइनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो ये चीज़ डिस्क्रिमिनेशन कहलाती है। मीन्स कि आप फर्क कर रहे होते हो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी ग्रुप्स में। देन द नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म इज स्टीरियोटाइपिंग, जनरलाइजिंग अबाउट अ पर्सन वाइल इग्नोरिंग अ प्रेजेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। एक इंडिविजुअल्स में जो डिफरेंसेस हैं उनको इग्नोर करके आप उनको जनरलाइज कर रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल, शी इज लाइक दैट बिकॉज शी इज एशियन। अब उसकी इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन क्या है, उसको आपने इग्नोर किया और आप वो एक एशियन है उस चीज को आप उस चीज पे फोकस कर रहे हो, दैट शी इज लाइक दैट बिकॉज शी इज एशियन, ऑल एशियंस आर नॉन वर्बल। तो ये इंटरप्रिटेशन होगी आपकी कि वो एशियन है और वो नॉन वर्बली में भी कम्युनिकेट करती हो, बिकॉज एशिया के लोग नॉन वर्बली प्रेफर करते हैं नॉन वर्बली कम्युनिकेशन को। तो स्टीरियोटाइप क्या होती है कि आप एक इंडिविजुअल के डिफरेंसेस को इग्नोर करके उसको ओवरऑल जनरलाइज कर रहे होते हो। देन नेक्स्ट टर्म इज कल्चरल ब्लाइंडनेस, डिफरेंसेज आर इग्नोर्ड एंड वन प्रोसीड्स एज ट्रू डिफरेंसेज डज नॉट एग्जिस्ट। मीन्स के डिफरेंसेस को इग्नोर कर देते हो आप, ठीक है, जो भी डिफरेंसेस होते हैं कल्चर्स में उनको आप इग्नोर कर दोगे तो वो कल्चरल ब्लाइंडनेस कहलाएगी। देन द नेक्स्ट टर्म इज कल्चरल इम्पोजिशन। कल के लेक्चर में हमने लैंग्वेज इम्पोजिशन को पढ़ा था, जो कि था कि लैंग्वेज को इम्प्लाई करना, लैंग्वेज का डोमिनेंट होना। अब यहाँ पे कल्चरल इम्पोजिशन है, मीन्स के कल्चर को इम्प्लाई कर रहे होते हैं लोग। बिलीव दैट एवरी वन शुड कन्फर्म टू द मेजोरिटी। फॉर एग्जाम्पल, वी नो वट्स बेस्ट फॉर यू, इफ यू डोंट लाइक इफ इट यू यू कैन गो एल्सवेयर। अच्छा, अब कल्चरल इम्पोजिशन का मतलब क्या है कि ये यकीन करना कि हर एक को अक्सरियत के मुताबिक होना चाहिए। अक्सरियत मतलब मेजॉरिटी, कि जो मेजॉरिटी लोग मेजॉरिटी से बिलोंग करते हैं जो लोग, हर एक को उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो माइनॉरिटी कल्चर्स हैं उन पे वो मेजॉरिटी वाला कल्चर इम्पोज किया जा रहा होते हैं। एंड एग्जाम्पल क्या है, वो नो दैट वर्ट्स बेस्ट फॉर यू, इफ यू डोंट लाइक इट यू कैन गो एल्सवेयर, कि आप वही करो। हम बेहतर जानते हैं कि आपके लिए क्या बेस्ट है, तो आपने वही करना है जो कि हमारा कल्चर डिफाइन कर रहा है। अगर आपको वो पसंद नहीं है तो आप कहीं और जा सकते हो। मीन्स के यहाँ पर कल्चर को इम्पोज किया जा रहा है, ठीक है, जो मेजॉरिटी का कल्चर है उसको इम्पोज किया जा रहा है माइनॉरिटीज पर, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स है। देन इम्प्रूव क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन, क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। लास्ट हमारा ये पॉइंट है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें इम्प्रूवमेंट के जो पॉइंट्स हैं उसमें सबसे पहला है ओवरकम एंथोसेंट्रिज्म, मीन्स कि किसी दूसरे के कल्चर को एक्सेप्ट ना करना एंथोसेंट्रिज्म कहलाता है। तो इस चीज को ओवरकम करें, दूसरों के कल्चर्स को भी एक्सेप्ट करें,
तो अगर आप दूसरों के कल्चर्स को एक्सेप्ट करेंगे देन आप क्रॉस कल्चरली बेटर तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे. देन रिकॉग्नाइज कल्चरल वेरिएशन. कल्चर्स में जितने भी वेरिएशन हैं, वेराइटीज हैं, डिफरेंसेस हैं, उनको आप रिकॉग्नाइज करें, उनको समझें. देन लर्न अबाउट कल्चर्स. कल्चर्स को लर्न करें, नॉट जस्ट द कल्चर ऑफ मेजॉरिटी, माइनॉरिटीज के कल्चर्स को भी समझें. देन रिमूव लैंग्वेज बैरियर. कम्युनिकेशन में जितने भी बैरियर्स आ रहे हैं लैंग्वेज की वजह से, जिसमें प्रोनंसिएशन हो सकती है, हैंड राइटिंग हो सकती है, पुअर हैंड राइटिंग हो सकती है, एक्सेंट का खराब होना हो सकता है, जो कि कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट करे, तो इन चीज़ों को खत्म करें. मीन्स के लैंग्वेज को सीखें एंड देन बेटर वे में कम्युनिकेट करें. देन हेल्प अदर अडेप्ट टू आर कल्चर. दूसरों को हेल्प करें कि वो आपके कल्चर को अडेप्ट करें, अच्छी चीज़ें स्प्रेड करें. देन राइट एंड स्पीक क्लियरली. अगर आप बोल रहे हैं या फिर लिख रहे हैं, कोई मैसेज कन्वे कर रहे हैं लिख कर या बोल कर, तो वो क्लियरली करें, उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए ताकि वो अगला बंदा उसको बेहतर तरीके से समझ सके. देन इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स. कम्युनिकेशन स्किल जो कि ड्यूरिंग कम्युनिकेशन आप यूज़ करते हो, उसमें फोर बेसिक स्किल्स हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, और इनके आगे भी बहुत सारी सब स्किल्स हैं, तो उनको आप इम्प्रूव करें फॉर बेटर कम्युनिकेशन. देन लिसन केयरफुली. एक चीज़ को आप अच्छे से सुनेंगे नहीं तो आप उसको बेटर वे में रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो अच्छे से केयरफुली उसको सुने. देन रिस्पेक्ट स्टाइल प्रेफरेंस. अगले बंदे का जो भी स्टाइल है जिसमें वो बात कर रहा है, उसको रिस्पेक्ट करें और उसको डिसग्रेस मत करें, डिसरिस्पेक्ट मत करें, उसको एक्सेप्ट करें, उसको रिस्पेक्ट करें, और आपकी कम्युनिकेशन जो है इस तरह से बेहतर हो जाएगी. सो दीज आर द पॉइंट्स रिलेटेड टू इम्प्रूविंग अक्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक. आप लोगों ने बताया नहीं, स्क्रीन शो नहीं हो रही है. मैं स्क्रीन को स्टॉप कर चुकी थी और फिर बाकी लेक्चर मैंने ऐसे ही डिलीवर किया. मैंने आपको बताया था, मेरी आवाज शायद आपको नहीं आ रही थी. मैंने नहीं सुनी. चलें कोई बात नहीं, मैं नोट्स शेयर कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा उसको भी, समझ लीजिएगा. फिर अगर कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं होगा तो इंशाल्लाह हम उसको नेक्स्ट वीक डिस्कस कर लेंगे.